मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही मैं एक्वेरियम के पास आ जाती हूँ ना तो ये भी आ जाती है वैसे लेकर के। ये देखिए, और उसके बाद जो काई जमती है उसमें नमक लगा करके आधे घंटे के लिए रख दिया था हमने। अब हम इसको साफ़ करेंगे। ये देखिए आधे घंटा हो चुका है और थोड़ा हमने नमक ले लिया है कॉज वाइट में। ये कॉज वाइट वैसी वाली नहीं है, ये एक्वेरियम साफ़ करने के लिए अलग से आती है। और इतना अच्छा लगने लगेगा सफाई, इतनी अच्छी। ये देखिए अभी हम पानी डाल के दिखाते हैं हल्का सा। ये देखो कितना साफ हो गया, ये सब दिखने लगा है ना, पूरा काई जमा हुआ था यहाँ पर। मैं खिसका के ले जा रही हूँ बाथरूम तक ताकि मेरे हाथ पे वजन ना पड़े, और इधर सीधे बाथरूम में मैं पानी फेंक दूँगी। देंगे निकाल करके, मेहनत तो ज़रूर है बट अपना काम हाथ का बहुत अच्छा होता है, और पैसे की भी बचत हो जाती है, 500 रुपये कोई कम नहीं होते हैं। एक्वेरियम पूरा क्लीन हो चुका है फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं आप। और जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमने पूरा इसको डेकोरेट कर दिया है एक्वेरियम को साफ करके, और मछलियाँ भी बहुत खुश हैं। देखिए बहुत खुश हो रही हैं, सबको अच्छे से रहना पसंद है सफाई से, और हमने इसकी सफाई कर दी है एक्वेरियम की जैसा कि देख सकते हैं। और हमने खाना भी दे दिया है इनको, खाना भी खा रहे हैं इन लोग। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं मछलियाँ। और अब हम फुहारा चला देंगे, ये है, और ये प्लग है, इसको हम ऑन कर देंगे, आपको दिखाते हैं। और ये देखिए फुहारा भी चल गया जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये सब काम करके जो खुशी अपने हाथों से मिलती है ना करके, वो किसी को बुला करके काम कराने से नहीं मिलती है। मेहनत तो है लेकिन बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, मन और से और हो जाता है। और ये देखिए फुहारा कितना प्यारा है। अभी मैंने दो घर रख दिए हैं, पहले एक ही घर था, ये छोटा वाला है घर मछली, छोटी वाली मछलियों के लिए, और ये बड़ा घर है बड़ी मछलियों के लिए। वो देखो झांक रही थी अभी, ब्लैक वाली अंदर घुसी रहती है फ्रेंड्स। ये देखो निकली अभी, ये देखो अंदर घुस गई। ये देखिए इसकी पूंछ दिख रही है, रेड टेल है ये, लगती हैं ये मछलियाँ फ्रेंड्स।